तो हवे बात करिए महायुद्धनी। सतत पांचमा दिवसे इजरायल अने हमासनु युद्ध चाली रह्यु छे। अत्यार सुधी में 3000 थी वधु लोकोना मौत निपजा छे। इजरायले गाजा पट्टी पर मेळव्यु छे नियंत्रण। 1.87 लाख लोकोए घर छोड्यु होवानी माहिती छे। गाजा पट्टी नजीक 1500 आतंकीना मृतदेह मळ्या छे। भारत सहित दुनियाना केटलाक देशोए इजरायलनो साथ आप्यो छे। अमेरिकाए पण इजरायलने मददनु आह्वान कर्यु छे। तो इजरायले पोतानी सीमा पर 3 लाख सैनिकों कर्या छे तैनात। आ उपरांत इजरायलनी सेनाए नागरिकों माटे एक एडवाइजरी पण जाहिर करी छे, जे प्रमाणे लोकोने शेल्टर होममां रहेवा माटे कहेवामां आव्युं छे। तो इजरायल थी न्यूज 18 नो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग, युद्धनी स्थिति नो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। युद्धना मैदान थी आ दृश्य सामे आवी रह्या छे। युद्ध वच्चे इजरायल में जाने सन्नाटो छवाई गयो छे। तेल अवीव थी आस्कलोन सुधी नो सतत धमधमतो मार्ग जाने सूनो थई रह्यो छे। सतत थई रहेला हुमला वच्चे लोको घरथी बहार निकळवानुं पण टाळी रह्या छे। इजरायलना अनेक विस्तारोमां भयनो माहोल छवायो छे। इजराइल का सबसे बड़ा शहर जिस पर सबसे ज्यादा हमास की तरफ से अटैक हो रहा है वो है एस्केलोन, जो कि दक्षिण भाग में है इजराइल के। और हमारे साथ एस्केलोन म्युनिसिपैलिटी के सीईओ मिस्टर हेजी हैं। ही इज विद मी। हेजी, वेलकम टू न्यूज 18 नेटवर्क 18। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू सेंड फ्रॉम हियर, फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया एंड वी आर हियर टू कवर दिस वॉर। व्हाट इज द सिचुएशन हियर? So I think that before even speaking about the situation, I think it's a good opportunity to thank to India Prime Minister that support us in this very, it's really to define even the situation. So thank you very much to India Prime Minister. What we see here that we are speaking about terrorism, you know, when I'm trying to define those people, I cannot really define them as human. You probably all saw those pictures. You probably go to visit the border, you see those pictures in yourself as well. So the situation is quite, from one hand, very stressful. Just we can see the damage here. We can see the damage here. Out of 600 missiles hit from Hamas, 400 missiles have been shot down. Yeah. 400 missiles have been shot down. 220 hit the buildings and other parts of Ashkelon. मिस्टर हेजी, द एस्केलोन म्युनिसिपैलिटी सीईओ वाज विथ मी एंड ये कह रहे थे कि किस तरह से अब तक 600 मिसाइल से हमला किया गया हमास की तरफ से, करीब 400 मिसाइल को गिरा दिया गया, 220 मिसाइल या तो बिल्डिंग पे गिरे या सड़क पे गिरे या जो स्ट्रक्चर हैं वहां पर गिरे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्होंने धन्यवाद किया है कि आतंकवाद के मसले पर जिस तरह से भारत ने इसराइल का समर्थन किया है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, एस्केलोन, इजराइल। तो जे प्रकार थे इजराइल नो आज विस्तार छे त्या अत्यारे रोड पर सन्नाटो छवायो छे ने युद्ध भूमि पर थी न्यूज 18 लाइव कवरेज छे। पड़पड़नी माहिती छे आप सुधी पहुंचाड़ी रह्यो छे। आ तमाम जे विस्तार आप जोई रह्या छो अहींया सन्नाटो जोवा मळी रह्यो छे। लगातार आपको इजराइल के अलग अलग हिस्से से हम दिखा रहे हैं कि कैसे हालात हैं। तेल अवीव में हम लोग थे, तेल अवीव के बॉर्डर एरिया में है, और तेल अवीव से जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ जाते हैं यानी गाजा स्ट्रिप की तरफ जाते हैं वहाँ खतरा बढ़ते जाता है। हम इस वक्त तेल अवीव से एस्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि गाजा पट्टी से बहुत नज़दीक है। गाजा पट्टी में भी बहुत खून खराबा हुआ है, हमास का वहीं कब्जा है, इसराइल ने हमला किया। लेकिन अब आप यहाँ से तस्वीरें देखें, ये सड़क हमें ले जा रही है एस्केलोन के तरफ। एस्केलोन और एस्केलोन के आसपास के दूसरे जो छोटे शहर हैं गाजा पट्टी के करीब, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। हर पल 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 वहाँ बमों की आवाज़ आती है, मिसाइल की आवाज़ आती है। यहाँ से हम रफ्तार से बढ़ रहे हैं लेकिन सड़कों पे कोई आपको नहीं दिखेगा, चाहे तेल अवीव की बात करें या फिर एस्केलोन की बात करें, जेरूसलम की बात करें। इधर की आप तस्वीरें देखिए, इधर की तस्वीरें आप देखेंगे
जितने भी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। यहाँ से जैसे जैसे हम निकलेंगे आपको सड़क पे गाड़ियां दौड़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने पे लोगों की मना ही नहीं है। लेकिन हर शहर में, क्योंकि मिसाइल अटैक बीच बीच में हो रहा है, तेल अवीव में भी मिसाइल अटैक हुआ, एयरपोर्ट के बगल में मिसाइल अटैक हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे तेल अवीव के बाद दक्षिण में साउथ में, तो आपका खतरा बढ़ते जाएगा। आप देख सकते किसी भी घर के बाहर आपको कोई नहीं दिखेगा। सड़क पे लोग जिन्हें मूवमेंट करना है इमरजेंसी कारणों से वो मूव कर रहे हैं, लेकिन को किसी भी शहर में तेल अवीव हो, मार्केट का मार्केट एरिया हो या रिहायशी एरिया हो, एस्केलोन तो पूरा घोस्ट सिटी के तौर पे तब्दील हो गया है। यहाँ ये जो सड़क है, यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आप सामने देखिए गाड़ियों के अलावा कोई भी किसी भी, आगे आपको घर दिखेंगे वहाँ कोई नहीं दिखेगा आपको। और हम ये दिखाने का मकसद ये है, बीच बीच में जैसे जैसे हम चल रहे हैं बीच में कई बार मिसाइल की आवाज़ आती है। ये वीडियो बनाने का मकसद इस बस ये है कि आपको हम तेल अवीव से एस्केलोन की तरफ जाते हुए स्थिति बता सके किस माहौल में पूरा का पूरा इज़राइल इस वक्त है। The reason is we got in Ashkelon a bomb attack, even my house injured and my building injured 4 times, and it's very very scary. If you're not from the city, you don't know where to go, where to secure yourself, and you got, if you don't have where to go to secure yourself, you got a problem. This is a matter of dead or life. તો જે પ્રકારથી અત્યારે યુદ્ધની જે પરિસ્થિતિ છે ઇઝરાયેલના જે આ વિસ્તારો છે ત્યાં સૌથી વધારે અસર એટલા માટે પણ જોવા મળી રહી છે કારણ કે અહીં વારંવાર હુમલા થઈ રહ્યા છે। તો તાજેતરમાં ચાલી રહેલા હમાસ અને ઇઝરાયેલના યુદ્ધ વચ્ચે અભિનેત્રી નુસરત ભરૂચા ઇઝરાયેલમાં ફસાઈ હતી। ઇઝરાયેલથી સુરક્ષિત પરત ફર્યા બાદ અભિનેત્રી નુસરત ભરૂચાએ પોતાનું નિવેદન જાહેર કર્યું છે। નુસરતે કહ્યું કે ભારતથી સુરક્ષિત દેશ કોઈ નથી, ઇઝરાયેલમાં રહ્યા પછી મને મારા દેશની કિંમત થઈ છે। હાય એવરીવન, આઈ વોન્ટેડ ટુ ટેક અ મોમેન્ટ એન્ડ સે થેન્ક યુ to everyone for their messages, for their prayers, for their wishes. I'm back, I'm home, I'm safe, I'm fine. But just 2 days back, I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas, and main pehle aise situation mein kabhi rahi nahi hu. But aaj jab main apne ghar mein uthi hu with no sounds and feeling safe and feeling fine, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है, हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं। सो आई वांट टू टेक दिस मोमेंट एंड से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, से थैंक यू टू द इंडियन एम्बेसी, से थैंक यू टू द इज़राइल एम्बेसी फॉर गाइडिंग अस, फॉर एडवाइसिंग अस एंड मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मी टू कम बैक होम टू माई कंट्री सेफ एंड साउंड। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट एंड एक्सटेंड माई प्रेयर्स एंड विशेज टू द पीपल स्टिल स्टक इन द वॉर, एंड आई रियली होप फॉर पीस આરોગ્ય વિભાગની 8 ટીમ સોસાયટીઓમાં તપાસ કરશે। રાજ્યમાં હાર્ટ એટેકથી વધુ એકનું મોત નિપજ્યું છે। અરવલ્લીના ભિલોડામાં ભુવાજીને આવ્યો અટેક, 35 વર્ષીય ભુવાજીનું હાર્ટ એટેકથી મોત નિપજ્યું। ભુવાજી સાગર રબારી એકાએક ઘરમાં ઢળી પડ્યા, હોસ્પિટલ લઈ જતા ડોક્ટરે ભુવાજીને મૃત જાહેર કર્યા છે। તો હવે વાત કરીએ ક્રિકેટના મહાકુંભ વર્લ્ડ કપની।
तो अमदावादमां भारत पाकिस्तान मैचनी तैयारीओ पाकिस्तानना खेलाड़ीओ आजे अमदावाद आवशे एरपोर्ट पर पाकिस्तानना खेलाड़ीओनुं आगमन थशे बपोरे 3:30 कलाके अमदावाद एरपोर्ट पर पहोंचशे भारतीय टीम आवतीकाले अमदावाद आवशे त्यारे भारतीय टीम आईटीसी नर्मदामां रोकाण करशे पाकिस्तानी टीम होटल हयात रेजेंसी में रोकाण करवानी छे तो अमदावाद में मैच ना पगले लोखंडी सुरक्षा व्यवस्था रहेशे मोटेरा स्टेडियम अने होटल नी बाहर सघन सुरक्षा पोलिस जवानों नी साथे एनएसजी नी टीम पण तैनात रहेशे तो वर्ल्ड कप में टीम इंडिया आज बीजी मैच रमशे दिल्ली में अफगानिस्तान सामे भारतीय टीम नो मुकाबलो छे प्रथम मैच जीत्या बाद रोहित एंड कंपनी जीतना जुस्सा साथे मैदान पर उतरशे पाकिस्तान पहला अफगानिस्तान पर आक्रमण दिल्ली में भारत अफगानिस्तान वच्चे दंगल ऑस्ट्रेलिया सामे धरखम जीत मेळव्या बाद वर्ल्ड कप नो प्रचंड आरंभ करनारी टीम इंडिया हवे अफगानिस्तान सामे टकराशे प्रथम मैच जीतीने भारतीय टीम हवे फूल फॉर्म मां आवी चुकी छे खास करीने विराट कोहली अने केएल राहुल नी जोड़ीए कांगारू बॉलिंग आक्रमण नी धज्जिया उड़ाड़ी दीधी हती आ बन्ने नी लांबी पार्टनरशिप ना सहारे भारतीय टीम वर्ल्ड कप नो प्रचंड आरंभ करी शकी हवे दिल्ली मां आजे टीम इंडिया अफगानिस्तान सामे टकराशे विश्व कप नी बीजी मैच मां पण टीम इंडिया जीतनी हॉट फेवरेट छे भारतीय टीम की बात करिए तो टीम मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया सामे रमेली भारतीय टीम ज जाळवी राखे तेवी शक्यता छे केम के शुभमन गिल हजू पण साजो थयो नथी जेथी ओपनिंग मां कैप्टन रोहित साथे ईशान किशन जोवा मळशे त्यारबाद विराट कोहली श्रेयस अय्यर अने राहुल टॉप ऑर्डर संभाळशे आ तरफ बॉलिंग एटेक मां पण फेरफार नी संभावना नथी देखाती आ वखते पण भारत नी स्पिन त्रिपुटी पर मैच नो मदार रहेशे अश्विन जाडेजा अने कुलदीप नी स्पिन फिरकी अफगानिस्तान नु कोकड़ू समेटवा माटे सक्षम छे आ तरफ अफगानिस्तान मां पण केटलाक घातक खिलाड़ियो छे जेनाथी टीम इंडिया ए सावधान रहेवानी जरूर छे खास करीने स्पिनर राशिद खान थी केम के राशिद खान नी गुगली सामे भलभला बेट्समेनो थाप खाई जता होय छे जो के टीम इंडिया पासे विश्व नो सौथी मजबूत कही शकाय एवो बेटिंग ऑर्डर छे जेथी जीतना सपना जोता अफगान टीम माटे दिल्ली नु दंगल आसान तो नहीं अचवाय बीजी तरफ भारतीय टीम सतत बीजी जीत साथे वर्ल्ड कप मां अजय रहवाना मक्कम इरादा साथे मैदान पर उतरशे तो बुलेटिन मां हाल रोकाईशु एक ब्रेक माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती सुहाना मसाले खाओ डबल खिलाओ डबल सुहाना मसाले खाओ डबल खिलाओ डबल अबे हमारी फरज हमें क्या चुक्या नथी द्वारकाना भाड़थर गामना भाया भाई चावड़ानी कल्पांत करती दीकरियोने न्याय क्यारे मळशे अपघात पहला मूंझायेला भाया भाईना परिवारना हृदय द्रावक रुदन ने भूली शकाय तेम नथी अपघात केसमां हवे मोटो खुलासो थयो छे मुख्य आरोपी रमेश पीठिया जूनागढ़ना बामणवाड़ा गामे नागदेवतानो भूवो होवानी चर्चा छे मृतक भाया भाई अपघात पहला बनावेला वीडियो में पण आरोपी रमेश वारंवार जुवार ना दाणा खवड़ावतो उल्लेख करायो हतो खोटे खोटा मने जुवार खवड़ाव्या राखी दर गुरुवारे हरियर सालू राखे बधेना दाणा जो खोटा हाचा कई विचार करजो सरकार भाया भाई द्वारका जिलाना खेडूतो पासेथी मगफळी चना तथा जीरु जेवा पाकनी खरीदी करीने आरोपी रमेश ने मोकलावी हती जेना पेटे तेओने कमिशन मळतु हतु जो कि खेडूतोने चुकवाना थता रूपिया आरोपी रमेशे भाया भाईने न आप्या खेडूतो द्वारा भाया भाई पासे सतत उघराणु करातु हतु शरमना मार्या भाया भाईए 8-9 महिनाथी घरमांथी निकळवानु बंद करी दीधु जमीन ने प्लॉट पण वेच्या परंतु तेम छता 2 करोड़ थी वधु रकम होय ने भरपाई न थई शकी बीजी तरफ आरोपी द्वारा वारंवार गल्ला तल्ला कराया
સાથે જ ધમકીઓ પણ અપાઈ હોવાનો આરોપ લગાવાયો. આથી કંટાળીને ભાયાભાઈએ ઝેરી દવા પી આપઘાત કરી લીધો. પિતાના આપઘાત બાદ ભાયાભાઈને પાંચ દીકરીઓ અને દીકરાનું ન્યાયની માંગ કરતો વિડીયો પણ વાયરલ થયો હતો. મંગળવારે આહિર સેના તથા આહિર સમાજના અગ્રણીઓ ભારથર પહોંચ્યા હતા અને મૃતકને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની સાથે સાથે પરિવારને સાંત્વના પાઠવી હતી. મારા પપ્પા બહુ અન્યાય થયો છે પણ કોઈએ ધ્યાન નથી આપેલું, આમાં પોલીસે નથી આપ્યું ધ્યાન. અને મારા પપ્પાએ બહુ તડપી તડપી 9 મહિના અને કાઢ્યા. હું અહીંયા એનું ધ્યાન રાખવા આવતી અને રાતે 2 ટીકડી હેને પાતી ઘેનની, પણ મારા પપ્પાને નિંદર ના આવતી કોઈ દી. અને મારા પપ્પા અહીંયા જમીન વેચી, પ્લોટ વેચ્યા, એ સાથે બધું ભર્યું અને ખેડૂતોને ચૂકવતા, અને ખેડૂતોને એને નહોતું દેવું એમ નહોતું, પણ આની હેને દીધું જ નહીં કંઈ જરાય.